सो ऑल अप गाइज, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब से जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट रीशेड्यूल हुआ है, ठीक है, बहुत लोग इसको पोस्टपोन भी बोल रहे हैं, बट आपको मैं एक बार बताता हूँ, पोस्टपोनमेंट उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम 1 से 2 महीने गैप हो, ठीक है, किसी कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से एग्जाम को एक्सटेंड कर देगा। इसमें इसलिए डेट को रीशेड्यूल किया गया क्योंकि उस दिन बहुत सारे एग्जाम्स क्लैश कर रहे थे, ठीक है, तो ये रीशेड्यूल हुआ है। जब से जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का रीशेड्यूल हुआ है, बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है और आपके दिमाग में भी होगा कि क्या जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट भी रीशेड्यूल हो सकता है या एक्सटेंड हो सकता है या आप कह लोगों को पोस्टपोन हो सकता है। तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि जो लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, मैं इसलिए वीडियो बनाया हूं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, जो लोग इस पे वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं और जो देख रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। देखो यार, पोस्टपोनमेंट आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में, और ये दिमाग में रखना कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इससे क्या होगा, इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और एट द एंड नुकसान किसका होगा, आपका होगा, ना ही मेरा होगा और ना ही उनका होगा जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कि पोस्टपोनमेंट होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ पोस्टपोन नहीं होगा भाई, क्यों होना चाहिए आप खुद सोचो कि जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च से कंप्लीट हो जाएगा, जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन आपका 8 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम और फर्स्ट अटेम्प्ट का जो लास्ट डेट है उसके बीच में कम से कम 24 दिन का गैप है, ठीक है, 20 से 25 दिन गैप है, तो 20 से 25 दिन गैप में एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, मतलब पिछले साल भी ऐसा हुआ था, फरवरी में एग्जाम था फिर मार्च में एग्जाम था, तो पोस्टपोन क्यों होना चाहिए। अगर पोस्टपोन होता तो जेई मेन वाले जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का वो लोग रीशेड्यूल किए थे तो उसी टाइम वो लोग जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट का भी रीशेड्यूल कर सकते थे ना, क्योंकि आगे तो सब उनको पता है कि एडवांस का डेट भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम जो भी सीबीएसई के एग्जाम है सारा कुछ तो डेट रिलीज हो चुका है, तो उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किए क्योंकि उन्होंने ऐसा जरूरी नहीं समझा, ठीक है, अगर पोस्टपोनमेंट जरूरी होता तो वो लोग कर देते, ठीक है, बार बार वो लोग डिले नहीं करते, ठीक है, तो आप इसके पीछे मत भागिए कि जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट पोस्टपोन होगा या रीशेड्यूल होगा कि नहीं होगा, आप अपने पढ़ाई फोकस करिए, क्योंकि आप अगर ये सोचोगे या वीडियोस देखोगे इस पे कि पोस्टपोन होगा तो इससे आपकी क्या होगी ना, स्ट्रेंथ कम होगी, आप पूरा 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है, आप सोच रहे होगे कि यार कुछ दिन और टाइम मिल जाएगा तो मैं उसमें और अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा और आप बेकार करोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी और बहुत लोगों के साथ भी हो चुका है जब से कोरोना आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि दो दो तीन तीन महीने पोस्टपोन होते होते दो बार तीन बार हम लोग यही सब सोच रहे थे कि पोस्टपोन होगा, बट एट द एंड पोस्टपोन नहीं हुआ तो क्या होगा, लॉस किसका होगा, हम जैसे स्टूडेंट का होगा, आप जैसे स्टूडेंट का लॉस होगा, समझ में आ रहा है, इसलिए इस पे दिमाग मत लगाओ कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है कि आप इस पे वीडियो देख रहे हो, वीडियो मत देखो, ठीक है, आप अपने पढ़ाई फोकस करो, और पोस्टपोन रही बात पोस्टपोनमेंट की तो पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एनटीए वाले ने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट दे दिया है, सेकेंड अटेम्प्ट का डेट एज इट इज़ है, तो पोस्टपोनमेंट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नहीं होगा। और इस वीडियो में इतना ही था, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मोटिवेशनल भी लगा होगा, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।